इसमें कहते हैं 5% की छूट के साथ खरीदार 608 रुपए में 20 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है तो चीनी का मूल्य विक्रय क्या मूल विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पे ये 20 नहीं होगा, ये 2 किलोग्राम होगा। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो हो सकता है कि इसके नंबर सभी स्टूडेंट्स को मिल जाए। ये 20 की जगह 2 किलो होगा, यहाँ पे 20 किलो के हिसाब से कोई भी ऑप्शन नहीं है, 2 किलो होगा। देखिए इसको शॉर्ट जो ट्रिक है इसकी, शॉर्ट ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन को करने की, इस क्वेश्चन को हम हमेशा करते हैं, जो परसेंटेज आ जाते हैं हम पहले वो लिखते हैं, फिर गुणा करते हैं जो हमारे को प्राइस दिया गया, ठीक है ना। अब नीचे दिया जाता है क्या कि कितना केजी वो एक्स्ट्रा खरीद रहा है, तो 2 केजी एक्स्ट्रा खरीद रहा है। अब 100 में से हम 5% को निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए ये परसेंट से परसेंट साइन चला गया, 5 × 608 अपॉन 2 × 95, ठीक है ना। तो देखिए 5 से ये कितनी बारी में चला जाएगा, ये 19 बारी में, 19 से ये 57 आ जाता है, और 57 ये 2 = 38 हो जाता है, 2 से ये 16, तो यानी कि 16 रुपए प्रति किलो चीनी की ओरिजिनल दाम रहा होगा, जो कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। एकदम सेकंडों में इसका आंसर आ, ठीक है। पर लेकिन ये क्वेश्चन गलत है, तो हो सकता है इसका मार्क्स जो है सभी स्टूडेंट को मिल जाएंगे।